मशहूर सिंगर कन्हैया मित्तल के कांग्रेस में जाने की अटकलों पर आज विराम लग चुका है। कन्हैया मित्तल ने आज खुद सामने आकर बयान दिया और कहा कि दो तीन दिनों से ये खबरें जोरों पर चल रही थी कि मैं अब कांग्रेस में जा रहा हूं, पर मैं अपने चाहने वालों को बता दूं कि मैं कांग्रेस में नहीं जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से मुझे जितना प्यार मिला है वो अपार है। इन खबरों से अगर किसी को दुख पहुंचा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कन्हैया मित्तल का एक गाना जो काफी लोकप्रिय हो रहा था कि हम जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये खूब चर्चा बटोरा था और बीजेपी ने इसे अपने प्रचार में खूब इस्तेमाल भी किया था। जय श्री राम। पिछले दो दिनों से मुझे ये एहसास हुआ कि मेरे सभी सनातनी भाई बहन और खासकर भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुझे इतना प्यार करता है और इतनी चिंता करता है। दो दिनों से मैं देख रहा हूं कि आप सब परेशान हैं, मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। और जो मेरे मन की बात मैंने कही थी कि मैं कांग्रेस ज्वाइन करने वाला हूं, उसे वापस लेता हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी भी सनातनी का भरोसा टूटे। आज मैं टूटूंगा तो पता नहीं कितने और टूटेंगे। तो हम सब मिलकर राम के थे, राम के हैं, राम के रहें, और पुनः आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं जिसके कारण आप डिस्टर्ब हुए। और कोई अपना ही होता है जब कोई रहे, हम सब जुड़े रहें और देश की सेवा करते रहें। एक बार पुनः भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करता हूँ। नमस्कार।